नमस्कार दोस्तों, मैं हेमंत कुमार मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ। देखिए, आजकल के कॉम्पिटिटिव माहौल में आपको अरिथमेटिक के प्रॉब्लम को सॉल्व करने आना बहुत ज़रूरी है। तो उस तरह के क्वेश्चंस में डायरेक्शन और डिस्टेंस टाइप के क्वेश्चंस भी बहुत पूछे जाते हैं। तो आइए हम लोग डायरेक्शन और डिस्टेंस के बारे में पहले उसका कॉन्सेप्ट देखें और उस पर बेस्ड सम प्रॉब्लम्स को हम लोग स्टडी करें। देखिए, अगर कोई पॉइंट है जहाँ पे आप हैं या जहाँ से हम शुरू करेंगे, तो उस पॉइंट से ऊपर की ओर हम लोग नॉर्थ डायरेक्शन लेते हैं, राइट साइड की ओर ईस्ट डायरेक्शन, लेफ्ट साइड की ओर वेस्ट, और नीचे हम लोग साउथ डायरेक्शन लेते हैं, मतलब पूर्व पश्चिम उत्तर और दक्षिण। नॉर्थ और ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट मीन्स उत्तर पूर्व, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में नॉर्थ वेस्ट मीन्स उत्तर पश्चिम, साउथ और वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट मीन्स दक्षिण पश्चिम, और साउथ और ईस्ट के बीच में साउथ ईस्ट मीन्स दक्षिण पूर्व। तो ये चार दिशाओं का हमारा ज्ञान हो गया। अब इस पे बेस्ड हमारे पास एक एग्जांपल है, उस एग्जांपल से ये आइडिया थोड़ा क्लियर हो जाएगा। देखें, एग्जांपल कहता है ये वेस्ट है तो ये ईस्ट हो गया, पूरब पश्चिम, ईस्ट वेस्ट। तो एक रोड है जो कि पूरब पश्चिम दिशा में है, इधर है हमारा पूर्व पश्चिम दिशा में, एक तरफ है हमारा एक्स और एक तरफ है हमारा वाई। नो, दिस क्वेश्चन इज दूसरा क्वेश्चन, नहीं, हाँ ये क्वेश्चन दूसरा है, इसको मिटा देते हैं। ये क्वेश्चन कहता है कि अमिताभ एक बच्चा है जो कि यहाँ से शुरू करता है और 20 किलोमीटर पश्चिम की ओर जा रहा है। सो यहाँ से पश्चिम की ओर 20 दिशा में, यानी कि दिस इज योर वेस्ट डायरेक्शन, तो 20 किलोमीटर गया और ए से पहुँच गया बी पर। अब यहाँ पे मान लीजिए वो है, ये हमारा बच्चा हो गया, तो बी पे पहुँच गया और वहाँ से वो 6 किलोमीटर दक्षिण की ओर जा रहा है, यानी कि 6 किलोमीटर तो नीचे जाना पड़ेगा, दक्षिण की ओर गया तो बी से सी पर पहुँच गया। फिर 12 किलोमीटर पूरब की ओर यात्रा करता है, यहाँ से गया 12 किलोमीटर पूरब, तो सी से इधर जाएगा पूरब 12 किलोमीटर, तो ये 12 किलोमीटर हो गया। अब वो डी पर पहुँच गया, बताइए कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, यानी कि हमको ए और डी के बीच की दूरी चाहिए। ठीक, अब देखो, क्योंकि ये हमारा एक रेक्टेंगल हुआ, डी से परपेंडिकुलर डालेंगे ए बी पर, तो डी एम ये रेक्टेंगल हो गया, डी एम बी सी। तो अगर ये 6 किलोमीटर है तो ये भी 6 किलोमीटर होगा, और ये 12 किलोमीटर है तो डिस डिस्टेंस एम बी इज ऑल्सो 12 किलोमीटर 12 किलोमीटर, तो डिस डिस्टेंस विल बी 20 में से 12 माइनस कर दें तो ये डिस्टेंस निकल जाएगा 8 किलोमीटर। देखिए, ए एम इज इक्वल टू ए बी माइनस बी एम, ए बी इज योर 20 किलोमीटर माइनस बी एम इज 12, सो इट इज 8 किलोमीटर, यानी ये डिस्टेंस ए एम हो गया 8 किलोमीटर। तो डी एम, डी एम मीन्स दिस डी एम इज इक्वल टू सी बी, इस डिस्टेंस के बराबर हो गया, दिस इज योर 6 किलोमीटर दिया है प्रॉब्लम में। और अब ये हमारा एक समकोण त्रिभुज हो गया ए एम डी, ये 90 डिग्री हो गया, तो ये समकोण त्रिभुज हो गया, ये हो गया कर्ण, ये अगर आधार है तो ये हो गया लंब। तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे, ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए एम स्क्वायर प्लस एम डी स्क्वायर, मीन्स दिस ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए एम स्क्वायर प्लस एम डी स्क्वायर, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो अब ए एम हमारा 8, तो ये 8 स्क्वायर हो गया, और एम डी हमारा 6 स्क्वायर हो गया, 8 स्क्वायर मीन्स 64, 6 स्क्वायर मीन्स 36, दोनों का जोड़ हो गया 100, यानी ए डी हो जाएगा अंडर रूट 100, अंडर रूट 100 में 100 का वर्गमूल आता है 10, तो इसका मतलब दिस ए डी डिस्टेंस इज 10 किलोमीटर, यानी कि ए अपने प्रारंभिक स्थान से पहुंच गया डी, दोनों के बीच का दूरी कितना हो गया 10 किलोमीटर। तो इस तरह से ये हमारा एक एग्जांपल हो गया। लेट अस सी अनदर एग्जांपल। अनदर एग्जांपल सेज कि पूर्व पश्चिम सड़क पर एक्स और वाई एक दूसरे से क्रमशः 20 किलोमीटर की दूरी पर खड़े हैं। तो सपोज ये x है, और इसको नीचे ले लें, मान लो यहाँ पर x है और इधर हो गया मेरा y,
दोनों खड़े हैं कितनी दूरी पे, दोनों के बीच के 20 किलोमीटर की दूरी है, 20 किलोमीटर्स। मीन्स एक्स एंड वाई बोथ आर 20 किलोमीटर्स अपार्ट। एक्स और वाई एक साथ क्रमशः पूर्व और पश्चिम की ओर चलना प्रारंभ करते हैं। एक्स इधर से जाता है पूर्व की ओर एक साथ, और वाई इधर आता है पश्चिम की ओर एक साथ, दोनों चलते हैं और दोनों 5 किलोमीटर। तो एक्स यहाँ से आ गया, सपोज़ ये हो गया, इसको बांट दें हम लोग 4 हिस्से में, तो इस तरह से हो गया, दिस इज़ योर वाई। तो एक्स यहाँ से गया 5 किलोमीटर, मान लो यहाँ से शुरू किया, दिस पॉइंट इज़ ए, दिस पॉइंट इज़ बी, और ये हो गया 5 किलोमीटर, किधर जा रहा है, पूर्व दिशा में। और वाई आ रहा है इधर, सपोज़ दिस पॉइंट इज़ सी, ये कितना आया, 5 किलोमीटर, तो ये डिस्टेंस हो गया 5 किलोमीटर। वाई का मूवमेंट हो गया इस तरफ पश्चिम दिशा में। अब एक्स अपने बाएं मुड़ रहा है, एक्स जा रहा है इधर, तो अपने बाएं मीन्स इधर जाएगा, जाता है कितना, 10 किलोमीटर। तो एक्स मूवमेंट हो गया एक्स का 10 किलोमीटर इस दिशा में, तो अभी वो पहुँच गया डी पर, ये डिस्टेंस कितना हो गया, 10 किलोमीटर, ठीक। और वाई अपने दाएं मुड़ रहा है, वाई आ रहा है इधर, तो उसका दाएं हो गया इस तरफ पर, वो भी 10 किलोमीटर जा रहा है, वाई कितना गया, 10 किलोमीटर, ठीक। इसके बाद बोलता है अब दोनों अपने अपने बाएं मुड़ जाते हैं, तो ये इधर है, इसका बाएं हो जाएगा इधर, वाई का बाएं हो जाएगा इधर, दोनों बाएं मुड़ के 5-5 किलोमीटर की दूरी पर जाते हैं, यानी कि अब ये जाएगा इधर 5 किलोमीटर, सपोज दिस इज योर एफ, और ये आ जाएगा इधर 5 किलोमीटर, सपोज दिस इज ऑल्सो इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू आई, इट इज़ 5 किलोमीटर, ये भी 5 किलोमीटर हो गया और ये भी 5 किलोमीटर हो गया, ठीक। अब पूछता है उनके बीच की कितनी दूरी होगी, मीन्स हमको ये दूरी बतानी है, आई और एफ़ के बीच की दूरी कितनी होगी। बहुत आसान है, इस डी और आई को मिला दिया जाए, डी और आई को हमने मिला दिया, आई से परपेंडिकुलर डाल दें इधर, ठीक। तो ये परपेंडिकुलर इधर आ गया, अब देखिए ये 5 किलोमीटर है, तो ये भी 5 किलोमीटर होगा, 5 किलोमीटर। अब ये 5 किलोमीटर है, ये 5 किलोमीटर है, और ये डिस्टेंस है टोटल 20 किलोमीटर, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया, इस 20 में से 5 हटा दें, ये 5 हटा दें, ये 5 हटा दें, यानी 20 में से 5 हटाए 15, 15 में से 5 हटाए 10, 10 में से 5 हटा 5, यानी दिस डिस्टेंस इज 5 किलोमीटर। ये 5 है तो ये भी 5 हो जाएगा, 5 किलोमीटर। अब आई वाई पहुँच गया आई पर, एक्स पहुँच गया एफ पर, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया, दिस प्लस दिस मीन्स आई डी प्लस डी एफ मीन्स 5+5 यानी कि 10 किलोमीटर डिस्टेंस हो गया। इसको देखें, डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज इक्वल टू आई एफ, दिस ये फाइनल डिस्टेंस हो गया आई एफ, एंड दिस आई एफ इज इक्वल टू आई डी प्लस डी एफ, और आई डी हमारा है 5 किलोमीटर यानी कि 5, और प्लस डी एफ इज 5 किलोमीटर, प्लस 5 मीन्स इट इज 10 किलोमीटर, यानी कि एक्स शुरू किया ए से, 5 किलोमीटर गया पूर्व दिशा में, फिर इधर से ये बाएं घूम गया 10 किलोमीटर तो उत्तर दिशा में जाएगा, फिर यहाँ से ये बाएं घूम गया 5 किलोमीटर तो एफ पर पहुँच गया, वाई यहाँ से शुरू किया 5 किलोमीटर पश्चिम दिशा में, सी पर आ गया, फिर ये दाहिने घूम गया 10 किलोमीटर तो इस पॉइंट पे आ गया, इधर से ये 5 किलोमीटर घूम गया, मान लो कि ये पॉइंट है, दिस पॉइंट इज जी, तो जी से ये घूम गया बाएं 5 किलोमीटर तो वो आई पर पहुँच गया। अब आई और एफ़ के बीच का डिस्टेंस निकालना है, हमको ये 5 पता है, हमको ये चाहिए, ये 5 मालूम है, यहाँ से परपेंडिकुलर डालें तो ये भी 5 होगा, चूँकि एक रेक्टेंगल बना है, दिस इज़ 5, दिस इज़ 5 एंड दिस इज़ 5 किलोमीटर, सो बैलेंस डिस्टेंस इज 5 किलोमीटर बिकॉज टोटल डिस्टेंस इज 20, तो 20 में से ये 5, ये 5, ये 5 हटा दिए तो 5 किलोमीटर मिला। अब ये 5 किलोमीटर है तो ये भी 5 किलोमीटर, अब इन दोनों का जोड़ 5+5 इज इक्वल टू 10 किलोमीटर इज दी फाइनल डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई। नाउ एक और एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं, सिंपल है एग्जांपल, और इसीलिए
हम उसको कर लिए, ये समझने में आसान है। देखिए, एक लड़की है सुजाता जो पश्चिम की ओर जा रही है, 5 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है। तो ये हो गया सुजाता का प्रारंभिक स्थान, यहाँ पे हो गई सुजाता। सुजाता पश्चिम की ओर जा रही है तो इधर जाएगी, कितना गई पश्चिम की ओर गई है वो 5 किलोमीटर। तो यानी कि वो ए से पहुँच गई बी पर, ये हो गया 5 किलोमीटर। ठीक, अब फिर क्या है, यहाँ से वो किधर जा रही है, फिर वो बाएं घूम के 3 किलोमीटर, तो बाएं घूम के अब नीचे आ जाएगी, ये हो गया बाएं मूवमेंट हो गया 3 किलोमीटर। अब वो पहुँच गई सी पर, फिर वह दाई ओर मुड़ गई, अब यहाँ से दाई मुड़ेगी तो इधर जाएगी, तो यहाँ जा रही है वो कितना 9 किलोमीटर, 9 किलोमीटर। तो अब वो पहुँच गए डी पर, इसके बाद वो उत्तर की ओर फिर 3 किलोमीटर उत्तर चली गई, यानी कि अब वो इधर आ गए 3 किलोमीटर, तो वो चली गई ई पर, कितना 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर्स। अब पूछ रहा है प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, तो इसको आप मिला दीजिए, ये एक रेक्टेंगल हो गया, डी सी बी ई इज ए रेक्टेंगल, ये 3 किलोमीटर, ये 3 किलोमीटर है, ये 9 है, तो ये भी 9 हो गया, क्योंकि रेक्टेंगल में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, तो ये हो गया हमारा 9 किलोमीटर, दिस डिस्टेंस इज ऑल्सो 9 किलोमीटर। अब पूछ रहा है कि प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, ये उसका प्रारंभिक स्थान है, ये अंतिम स्थान है ई, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू ए ई, डिस्टेंस इक्वल टू ए ई एंड दिस इज इक्वल टू ए बी प्लस बी ई, और ए बी हमारा है 5 किलोमीटर, बी है 9 किलोमीटर, सो दिस इज इक्वल टू 5 + 9 मीन्स 14 किलोमीटर। यानी कि जो सुजाता है अपने प्रारंभिक स्थान से अंतिम स्थान पर 14 किलोमीटर की दूरी पर है। तो इस तरह से ये सब प्रॉब्लम करना आपके लिए बहुत आसान है, बहुत मुश्किल नहीं है, तो इस तरह के प्रॉब्लम्स का और प्रैक्टिस करिए। ये हमारे यूट्यूब चैनल में हम इसको डाल देंगे, और वहाँ पर कमेंट सेक्शन है, तो उसमें कमेंट करिए कि ये आपको कैसा लगा, कहीं कोई दिक्कत है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में डालिए, या मुझे मेरे ईमेल पर मैसेज भेजिए। थैंक यू।